मंडल में दो तीन बातें जो हमको स्पष्ट दिखी। पहली बात तो जो पिछले प्रतिनिधि जिनको चुन करके लोगों ने भेजा था, पिछले 6 साल के अंदर सदन में एक सवाल इस पूरे क्षेत्र का उठाने का काम नहीं किया गया, जिसके कारण यह विधान परिषद क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित था। ये मजबूत लोगों की आवाज़ है, प्रधानों की, BDC की, जिला पंचायत की। तो पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जाए। आपके द्वारा पहला काम क्या किया जाएगा? दूसरा विषय, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। दूसरा विषय कि पंचायत प्रतिनिधियों की जो भी चुनौतियाँ रहती हैं, उनके समक्ष जो भी सवाल आते हैं, उनका समाधान किस प्रकार से खोजा जाए। तीसरी बात कि शिक्षा हो गया, जल निकासी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इससे जीवन आयाम के विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्याएं आती हैं, उनका भी हल खोजने का प्रयास किया जाएगा। विकास की धुरी बन करके इस क्षेत्र में निरंतर विकास की गंगा को आगे बढ़ाएगा। प्रधानों को जो है काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, खास करके ब्लॉकों पर उनका भुगतान नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, और भी सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तो पहले दिन रिजल्ट आया है। अब उनसे मिल करके, उनसे जान करके, उनके साथ संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनका तत्काल निवारण करने का काम किया जाएगा, अगर ऐसी कोई समस्या आती है। हेलो, आओ निकल, अगला को आएंगे।